ओके एंड ब्रो, आज यह लेस्टर भी अपना वापस से आने वाला है। अपन उसको गले लगाएंगे। तुम लोग आ जाओ या फिर बातें करते हैं। ओके क्या बात है गाइस, सुबह सुबह बिल्कुल रोमांटिक स्टार्ट हुआ है ना। मस्त ट्रम्पेट बजा रहे हैं लोग यार। तो गाइस तुम देख सकते हो फाइनली में आज मैं खड़ा हूँ बहुत दिनों बाद अपने फ्लैट के पास में यार। भाई इतने दिनों से इतना घूम रहा हूँ ना मैं लेस्टर के चक्कर में, सच बता रहा हूँ गाइस। लेस्टर अभी तक मिला नहीं है ऑल्दो अपने को, लेकिन मैं तुम्हें पहले बताता हूँ गाइस कि अपने लास्ट वीडियो में क्या क्या करा है। तो तुम में से नहीं पता जिन लोगों को, पहले तो वीडियो देखना चाहिए तुमको। अच्छी बात नहीं हो रही है बिल्कुल भी है, ठीक है। एंड अगर तुम लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो मैं तुम्हें बता दूं ब्रो कि लास्ट वाली वीडियो में हम लोग गए थे यार एक बंदे के पास में, जिस बंदे का अपने पास कॉल आया था ना कि मेरे को 5 गोल्ड विंटेज कार्ड दो, उसके बदले मैं तेरे को लेस्टर की इन्फॉर्मेशन दूंगा कहाँ पर है वो एक्जैक्टली। उसको अपन कार्ड देकर के आए ब्रो, अभी तक उस गधे को पता लगा नहीं है, ठीक है। और अपन उसको 5 गोल्ड कार्ड देकर के आए हैं, जिनमें से केवल एक असली है, 4 नकली है। ये बात ना केवल तुम और मैं जानते हैं। दबा के रखते हैं इसको, ओके। ये तो हाथ मिलाना होता है, आवाज दबा के रखते हैं। बट ब्रो दिक्कत ये आ गई कि वो बंदे ने अपने को बताया कि देख उसको लेस्टर का नहीं पता है, उसको केवल इतना पता है कि लेस्टर को ना ट्रेवर ने किडनैप कर रखा है। भाई मेरे को दिक्कत जब हुई, उसने बोला, मैंने कहा ठीक है मजाक कर रहा होगा बंदा, बट ब्रो सीरियस था, ठीक है, फुल टू सीरियस यार। उसने कहा था अगर तेरे को यकीन नहीं हो रहा तो ट्रेवर का कॉल करके देख ले। ब्रो मैं कल से ट्रेवर कॉल कर रहा हूँ, बंदा फोन नहीं उठा रहा है ब्रो। यार मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्या होता था, जब भी अपन ऐसी दिक्कतें पड़ते थे अपन लेस्टर को कॉल करते थे, बट भाई आज लेस्टर ही नहीं है यहाँ पे, तो क्या करें बताओ यार। तो फिर मैंने बात करी है गाइस यार माइकल भैया से। मैंने कहा माइकल भाई यार बात सुन मेरी, क्या करना है बता, आगे का प्लान क्या है। मैंने को सब बातें बताई, ठीक है। तो माइकल ने बोला सबसे पहले काम का फ्रेंड तुम मेरे घर पे आ जा। तो अभी अपने को माइकल घर पे जाना है। एंड तुम देख सकते हो गाइस अपनी कार्स खड़ी है, बट आज फिर से रोल्स रॉयस मैंने अंदर पार्क नहीं करी है, पता नहीं क्यों। मुझे क्या दिक्कत आ रही है बेचारे रोल्स रॉयस से, कितनी बार घुमाऊंगा मैं उसको यार। तो मैं काम करता हूँ गाइस, आज लेता हूँ अपने टायर्स को, ठीक है, ब्लैक कलर के डार्क वाइब्स वाले टायर्स को। आज यहाँ से निकलते हैं, चलो। ओके गाइस फाइनली तुम देख सकते हो अपनी टायर्स बाहर आ चुकी है पार्किंग लॉट से, ठीक है। एंड भाई क्या लग रही है ना कार यार, जब से मैंने टायर्सों को ब्लैक कलर करवाया ना भाई अल्टीमेट लग रही है कार, ठीक है। एंड आवाज सुनो खतरनाक। अभी निकलते ब्रो अपन यहाँ से, ठीक है। अपने को जा रहा है सीधे माइकल के घर पे यार, अभी अपन जा रहे हैं वहाँ पर। एंड मैं माइकल को ना ऑलरेडी सब बातें बता चुका हूँ कि देख भाई लेस्टर ने ऐसा से खो गया था, ये दिक्कत आ चुकी है, इस बंदे ने अपने से 5 विंटेज कार मांगी थी। तो माइकल बोल रहा था पागल फ्रैंकलिन, मेरे को बोलता मैं तेरी मदद करता। मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रो, अब मदद करते, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसलिए अभी अपन जा रहे हैं इस माइकल की मदद लेने के लिए, ठीक है, उसके घर पर। एंड भाई तुम्हें पता ही होगा कि माइकल अपने घर से बड़ा ही पास में रहता है, ठीक है, दूर रहता है अपने टावर से। अरे किधर था भाई, इधर ही था घर उसका, मतलब पास में रहता है, स्टिल में उसका घर भूल जाता हूँ, ठीक है, किस साइड में है यार, इधर कहीं है क्या भाई, किधर है घर उसका यार। अभी ना अपन थोड़ा सा रबड़ते हैं आसपास, बिकॉज मेरे को लगता नहीं इतनी इजीली अपने को उसका घर मिलेगा। भाई यार यहाँ पे ना एक तो सारे घर सेम दिखते हैं, कहाँ से निकालू भाई मैं अलग घर यार। इधर कहीं है क्या माइकल भैया घर आपका, नीचे यहाँ तो नहीं है, ऊपर ओके। तो ब्रो देख रहे हो फाइनली मेरे को उसका घर मिल चुका है यार। एंड यहाँ पे अभी अपन अंदर लेकर चलते हैं कार को, चलो। एंड अभी गाइस अपन गाड़ी पार्क कर देंगे अपने यहाँ पर। ठोक दी मैंने, कोई बात नहीं, हल्के फुल्के खरोचों को मैं ध्यान नहीं देता हूँ, ठीक है यार। ऑल दो मेरे पास पैसे नहीं है बट बातें तो कर सकते हैं हम ऐसी बड़ी। ओके तो माइकल ने कहा था मैं खड़ा रहूँगा, लेकिन माइकल यहाँ तो कहीं खड़ा नहीं है। मैं अंदर जाता हूँ, क्या पता मेरे को अंदर मिले वो। माइकल, माइकल भाई मैं आ चुका हूँ। ए माइकल किधर है भाई तू, ये कौन है माइकल, क्या कर रहा है। अच्छा, ओहो क्या बात है यार, आंटी ने अपने को बिना देखे पहचान लिया, बहुत ही सही। आंटी मैं ही हूँ फ्रैंकलिन, पहचाना। Hey, ये आंखों में क्या लगा रखा है आपने, आपको दिख कैसे रहा हूँ मैं इधर हूँ, इसको तो नहीं पता यार। इधर कौन है, इधर जिमी भाई कैसा है तू। अंकल जी आए, पढ़ाई मस्त चल रही है ना, ये केवल सारे दिन इंटरनेट ब्राउज करता रहता है, पढ़ाई पर कर लिया कर। अरे भाई किधर चला गया, नीचे तो नहीं है यार, इसे घर वाले को भी नहीं पता है ऊपर है क्या कहीं। ए माइकल भाई किधर है तू यार, इधर है क्या। इधर तो भाई गेट खोल नहीं सकता मैं, ठीक है, पता नहीं यहाँ पे क्या प्राइवेट रूम है माइकल का ऐसा। इस तरफ कौन है ये, ट्रेसी। अच्छा ट्रेसी, ट्रेसी बेटी कैसी हो तुम, आज तुम्हारा अंकल आया, ठीक है, यहाँ से तुमसे मिलने। कुछ पूछ रहा हूँ ना मैं। हेलो भाई कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में, मैंने आना ही नहीं यार फर्जी घर में, जब से इतने प्यार से बातें कर रहा हूँ सबसे, कोई भाई रेस्पेक्ट ही नहीं दिखा रहा है अपने को यार। एक तो माइकल का, मैं उसको कॉल करता हूँ, ठीक है, माइकल का आने का वेट करते हैं अपन यार, कहीं ना कहीं बाहर ही होगा ये। अभी कॉल करके बुलाता हूँ उसको, दैन में तुमसे मिलता हूँ यार। ओके भाई क्या बात है माइकल ब्रो, भागते भागते है, असली में थोड़ी मारता जिम्मी को, मेरे हिसाब से बात सुन ली इसने, ठीक है। एक काम करते हैं माइकल ब्रो, थोड़ा बाहर चलते हैं, थोड़ी बाहर जाके बातें करते हैं, कुछ बड़े बच्चों वाली बातें है। बड़े बच्चे तो नहीं है, खैर अपन कुछ बड़ों वाली बातें करनी है, ठीक है। मेरे को भी इधर माइकल बात करते हैं यार, तो चलो गाइस माइकल थोड़ी बात करता हूँ, ठीक है। देन मैं तुमसे मिलता हूँ, बिकॉज आज माइकल मेरे को बड़े गुस्से में दिख रहा है, ठीक है यार। वैसे फाइनली मैंने माइकल से बातें कर ली है। माइकल ने अपने को सबसे पहले एडवाइस ये दी है कि फ्रैंकलिन देख यार, तो सबसे पहले मेरे को लेके चल उस बंदे के पास में, ठीक है, जिसने अपने से 5 गोल्ड विंटेज कार लिए ना, उसको पहले थप्पड़ मारेंगे अपन, उसको मारेंगे, उसके बाद में जाएंगे लेस्टर को ढूंढने में। बोल रहा हूँ उसको माइकल दादा थोड़ा सा अपन अच्छे से काम ले लें, पहले चलते ट्रैवलर के घर पर, क्या पता ट्रैवलर वहाँ पर मिल जाए, लेकिन नहीं है, इसको पहले जाना है उस बंदे के पास में। तो कोई नहीं, अभी अपन जाएंगे गाइस सबसे पहले उस बंदे के पास में, देखते हैं भाई उसने गाड़ी कहाँ पर छोड़ी है। वो बोल के तो गया था उन लोगों के 3-4 दिन के लिए यहाँ पर ही, कभी भी आ जाना मिलने यार। तो अभी चलते हैं उसके पास में, बैठ भाई माइकल देखो लेके चलता हूँ, देखता हूँ भाई कितना बड़ा दादा है तू यहाँ पे, ठीक है यार। चलो माइकल भाई देख मेरी बात मान, सबसे पहले अपन चलते हैं ट्रेवर के पास में गाइस है, बिकॉज ट्रेवर कॉल नहीं उठा रहा है ना, पता तो लगे एक्चुअली कि ट्रेवर कर क्या रहा है भाई, लेस्टर उसके पास है भी कि नहीं है यार, लेकिन मान नहीं रहा बंदा। कोई नहीं, अभी अपन उसे पहुंचने वाले गाइस उसके पास में, ठीक है, जिसके पास में अपन ने दी थी 4-5 गोल्ड विंटेज कार्स, ठीक है यार। कहाँ पर है उसकी बिल्डिंग, इधर ही कहीं तो होती थी उसकी यार, एंड ये वाली, ओके गाइस ये वाली बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, मेरे को याद आ गया एग्जैक्टली यार। अभी अपने को ना इस तरफ से अंदर जाना पड़ेगा, चलो हाँ, तो यहाँ से अपन पिछले बार भी अंदर गए थे ना, यही जगह है शायद, हाँ ये रही। ओके ओके काम कर दिया मैंने, ठीक है, गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया मैंने। अभी चलता हूँ ऊपर की तरफ यहाँ से, ठीक है, ये गेट खोलना पड़ता है। अभी जाते हैं उस बंदे के पास में, आज मेरे को ना फील आ रहा है भाई, ठीक है, माइकल पीटेगा उसको। चलो ओके गाइस, तो फाइनली अपन आ चुके हैं बाहर की तरफ, एंड ये क्या हो गया भाई, यहाँ पर ही तो रहता है उसका सीढ़ी वाला मामला, भाई भाग गया क्या बंदा, मतलब इधर बॉडीगार्ड रहते थे उसके, यू नो, यहाँ से सीढ़ी जाती थी बिल्कुल हवा में यार, बादलों से ऊपर तक, बंदा गायब। बाप रे बाप, इतनी खतरनाक स्कीम चलाई है भाई, क्या पागल बनाया उस बंदे ने अपने को यार, सच्ची में ब्रो। यहाँ पर ही रहता था, मेरे को अभी भी याद है एग्जैक्टली भाई, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ मैंने खुद ने चढ़ी है भाई इन पैरों से, ठीक है, बट अभी वो यहाँ पर नहीं है। माइकल भैया थोड़ी सी बात सुनोगे, गड़बड़ हो गई है यार, तो मैं तुमको बता रहा हूँ ना ब्रो, सबसे ज्यादा मेरे को शक है उसी बंदे पर, ठीक है यार। वो क्या पता उसने अपने को झूठ बोला हो यार, बिकॉज वो खुद भाग गया। उसने अपने को बोला था गाइस यार, तुम्हें याद हो तो, कि 3-4 दिन के लिए मैं यहाँ पर ही हूँ, कभी मिलने आ जाना मेरे को। अब तो मेरे को ना ट्रैवल पर तो शक नहीं है, तो सबसे पहले अपन एक काम करते चलते हैं, ट्रैवल के पास में चल लेते हैं अपने यार, बिकॉज क्या पता भाई ट्रैवल खुद अपने को मिल जाए, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चल भाई माइकल, अब तो कोई ऑप्शन भी नहीं बचा अपने पास में यार, ये बहुत गलत सीन हो गया, ठीक है। अभी तो गाइस फाइनली अपन निकलिए यहाँ से, ठीक है यार, गांव की तरफ, बिकॉज गांव में रहता है ट्रैवलर, तुम्हें पता ही होगा। सबसे पहले अपन जाएंगे गाइस ट्रैवलर के घर पर, ठीक है, अगर वो वहाँ पे नहीं मिलता है तो अपन जाएंगे उसके हैंगर पर, ठीक है, बिकॉज ब्रो उसके अलावा उसके पास कोई भी जगह नहीं है ट्रैवलर भाई के पास में, ठीक है, जहाँ पे वो लेस्टर को लेके जाएगा यार, बिकॉज मेरे को तो लगता है ना ब्रो वहाँ पर ही कहीं होगा वो बंदा, और तो यार मेरे को लगता है नहीं कुछ। चलो चलो चलो, क्या भाग रही है गाइस गाड़ी यार, बहुत ही बढ़िया, चलो हट जाओ। अबे ट्रक बीच में मत है यार, मैं गाड़ी को भगाने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ फुल तरीके से, बाबा बीच में आ जा रहा है मेरे। चलो निकालो उधर से, बहुत सही बहुत सही, ओहो ओहो क्या क्या है, ब्रेक ब्रेक, ठुक गई क्या, अरे ठोकने तो नहीं है कार को यार, मतलब देखो यदि ड्राइवर उसके घर पे मिल जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, सारा केस सॉल्व हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर हैंगर पे मिल जाए, अगर वो दोनों जगह नहीं मिला ना, बिकॉज फोन हो ना तो मेरे उठा रहा है ना माइकल को उठा रहा है, अगर वो मेरे को दोनों जगह नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, फिर भाई कुछ लफड़ा पड़ेगा। एंड अगर भाई वो वहाँ पे भी अपने को नहीं मिला तो मेरे को भी नहीं पता कि मैं क्या कंक्लूड करूँ इस बात को, ठीक है, इससे क्या मैं रिजल्ट निकालूँ, बिकॉज यार ट्रैवल लेस्टर को मार तो नहीं सकता, ये तो पक्का है भाई, दोस्त है अपना, बाकी तो पता नहीं है ब्रो, बिकॉज ट्रैवल को ना कभी कभी सदमे हो जाते हैं, कभी कभी दौरे पड़ जाते हैं, पता नहीं वो पागल हो जाता है, ठीक है, पूरी तरीके से, बिकॉज तुम्हें याद होगा अभी बहुत ही पहले ना भाई ट्रैवल ने एक बंदे को टॉर्चर करा था, क्या खतरनाक तरीके से करा था, दांत निकाल दिए, नाखून निकाल दिए, शॉक दे दिया, कुछ भी कर सकता है भाई, ठीक है। तो सीधे मिलते हैं भैया ट्रैवल के घर के आसपास, चलो तो चलो गाइस अभी अपन पहुंचने वाले हैं ट्रैवलर के घर पर, ठीक है, उसके एरिया में तो मैं आ चुका हूँ, एंड ये देख रहे हो जैसे ही अपन ये रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे आ जाता है ट्रैवलर का एरिया यार, एंड उसका घर जितना मेरे को याद है इधर होता है कहीं, देखो मैं शॉर्टकट चला रहा हूँ, ठीक है यार, बिकॉज मेरे पास टाइम नहीं है आज। तो किधर गया भाई उसका घर, यहीं तो होता था, किधर भाग गया भाई, अरे कौन, ओके तो ये रहा, ठीक है, ट्रैवलर का घर अपने को फाइनली मिल चुका है गाइस, ठीक है। अब एक काम करते हैं, आप अपनी कार पर पार्क करते हैं, ट्रेवर की ऑल दो कार तो नहीं खड़ी है, ठीक है, वो जो उसको अपन सीएन गिफ्ट करी थी वो पे नहीं खड़ी है, कोई नहीं, एंड ट्रेवर का दोस्त भी नहीं है यहाँ पे, मेरे को डाउट हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं गन निकाल रहा हूँ, ठीक है ब्रो, तो मैंने पिस्टल भी निकाल लिया, एंड तू भी निकाल ले भाई माइकल, ठीक है, ओके। माइकल ने तो भाई शायद सीधे असॉल्ट राइफल निकाल ली है, मार ही देगा क्या भाई डायरेक्ट, एंड अभी चलते डायरेक्ट अंदर, क्या अंदर है भाई, क्या ट्रेवर है, ए ट्रेवर भाई इधर तो कहीं नहीं दिख रहा है मेरे को, ठीक है, इधर है क्या, इधर भी नहीं है ब्रो यार, किधर गया भाई लेस्टर, ए कौन है कौन है कौन है भाई कौन है, रुकने एक मिनट, कौन मर रहा है अपने को, एक बार रुको कवर लेने दो एक बार, तुम यार भाई साहब कौन हमला कर रहा है ये, ओके ब्रो तुम देख रहे हो, ये माइकल का, ये शायद ट्रैवलर का दोस्त है, ठीक है यार, एंड ये आसपास वाले बंदे पता नहीं कौन है, अभी मेरे को मारना पड़ेगा, ठीक है, मेरे को मारना पड़ेगा, पहले बाहर निकलता हूँ चुपचाप मैं, चलो ओके गाइस, तो फाइनली तुम देख रहे हो पीछे वाले रास्ते से निकल गया और माइकल भी अभी आ रहा है यार। मार माइकल मार इनको, इसकी 12 बताते हैं अपन। अभी बार बार कोट पैंट में आने बड़े मारने वाले अपने को। ये लो, अरे मरा 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 भाई साहब। कौन है कौन है कौन है, किधर किधर है माइकल? मारना इनको एक बार। और कौन बचा है? अभी बच रहा है क्या कोई और भी? तेरी भैंस की, कौन है तुम्हें? इधर रुक 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 रुक। यार बॉम्ब फोड़ रहा है क्या भाई तू? ए भाई क्या कर रहे हो? बॉम्ब लगा रखे इन्होंने जो यार। इसकी 12 ये ले दिया एक ही हेडशॉट। और कोई बच रहा है क्या? ये ले और क्या बच रहा है? कोई एक तो बचा है। ठीक है, गोली की आवाज आ रही है अभी मेरे को। ये मर गया क्या बंदा? इसको मार दिया शायद उन लोगों ने। मैंने मार दिया इसको तो कोई नहीं यार, बट ट्रेवर नहीं मिल रहा है। एक बंदा बच रहा है शायद, ये रहा बड़ा है मारने वाला। तो गाइस तुम देख सकते हो अपन ने सभी लोगों को मार दिया इनको। ठीक है यार, ये सूट वगैरह पहन करके आए हैं कोई, शायद मेरे को कोई ना कोई चीज सिक्योरिटी लग रही है, वो भी हाई सिक्योरिटी। ठीक है, बिकॉज नॉर्मल सिक्योरिटी ऐसी नहीं होती है। मैं डर गया भाई। माइकल मेरे को लगा कौन बंदा आ गया, माने भी गोली चलाया था। मैं देख रहा हूँ, सीधा होने एक बार सीधा हो तू। ओके ये शक्ल है इसकी भाई साहब। कौन है बंदा? देख लो कान में ब्लूटूथ पहन रखा है इस बंदे ने, शायद ये बात कर रहा था किसी के। इसका मतलब ये ब्रो इसको ऑर्डर मिले अपने को मारने के लिए। ठीक है, मतलब कोई ना कोई बंदा तो इसको पता था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, एंड इसलिए इन बंदों को उसने ऑर्डर दे रखे थे। ठीक है, अपने को मारने के लिए। ट्रैवर ही तो नहीं है कहीं आ रही है बंदा, बिकॉज ट्रैवर को पता होगा कब मैं ट्रैवर के घर पे आऊँगा। एंड जितना मेरे को याद है ना, तो कुछ देर पहले अपन जब यहाँ पे आए थे तो भाई ट्रैवर को कोई और लोग भी मार रहे थे। ठीक है, मेरे को नहीं पता गाइस क्या चल रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे फाइनली ट्रैवर अपने को नहीं मिला। अभी अपने को ऐसे निकल जाना चाहिए इससे पहले कि और भी दुश्मन आए अपने। बैट 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 माइकल बैट बैट। यार एक तो मेरी गाड़ी की हालत क्या कर दी है गाइस की 12 यार, इसने पूरा का पूरा कांच तोड़ दिया मेरी गाड़ी का। बैट और माइकल अभी अपन जा रहे हैं गाइस। ठीक है, ट्रैवर को उस हैंगर पर, बिकॉज वही एक लास्ट एरिया ऐसा बचा है। ठीक है, जहाँ पे ट्रैवर के होने की संभावना है। अगर वहाँ पे भी नहीं होगा ना, पक्का ट्रैवर ने हमारा लेस्टर को। ठीक है, कोई डाउट नहीं है मेरे को इसके अंदर। फिर तो मतलब गाइस अपने को मरवाने के लिए बंदे भेजे हैं उसने यार, अपने को मरवाएगा भाई दोस्तों को। क्या बात कर रहा है ट्रैवर यार। एंड मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया क्या? ऐसी क्या आवाज आ रही है अभी यार? एक तो मेरी गाड़ी में क्या आवाज आ रही है यार, ये है ना अजीब सी आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या है। रिपेयर करानी पड़ेगी अपने को वापस से। अरे कार कर, कोई नहीं। अभी अपन आ चुके हैं गाइस ट्रैवर के हैंगर पर। ठीक है, एंड ये रहा इसका हैंगर, तुम देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी मेरे को लगता है ना कि इसमें तो नहीं बैठा भाई कहीं ट्रैवर। नहीं 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 यार, वो तो ये वाला प्लेन ही उड़ाता है। खैर कोई नहीं, अभी अपन चलते हैं। अगर यहाँ पर ट्रैवर हुआ ना, पक्का भाई। ठीक है ना यार, ट्रैवर बच जाएगा। अगर नहीं हुआ तो उसने लेके गया है वही लेस्टर को। एंड भाई तुम देख रहे हो नहीं है ट्रैवर यहाँ पे। इसका मतलब यही है कि यार ट्रैवर ये जो कि लेस्टर को चुरा करके लेके गया है, उसको किडनैप करके लेके गया है। लेकिन क्यों यार? एंड एक मिनट भाई, अब कौन मार रहा है यार? अबे यहाँ पे भी बंदे आ गए क्या मारने के लिए? भाई क्या हो रहा है? मजाक हो रहा है क्या? ये कोई कौन है ये? तेरी रुक, ये तो वही बंदा है यार, वो सूट बूट वाले। ठीक है ना यार, मेरे को लग रहा है पक्का, मेरे को लग रहा है कोई ना कोई तो अपना पीछा कर रहा है। ठीक है, मेरे को नहीं पता कौन है, वही बंदा इनको ऑर्डर दे रहा है बार बार। और कहाँ पर हो भाई तुम? इधर है, ये ले बढ़ाया मारने वाला। एक और बच रहा है, एक और की आवाज आ रही है मेरे को। गाइस मैं लिटरली बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है क्या ट्रैवर अपने को मरवा रहा है क्या, बिकॉज यहाँ पर भी कोई बंदा तो मेरे को मारने आया था। ठीक है, अच्छा ये तो बाइक वाले बंदे हैं। ठीक है कोई नहीं, इनको छोड़ो। लेकिन यार ये सिक्योरिटी किसकी है ब्रो? ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ट्रैवर कहाँ पे वो नहीं पता लग रहा है, ट्रैवर गायब क्यों है, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है मेरे को यार। अभी मेरे को ये नहीं पता मैं क्या करूँ। एक बार तो मैं सोच रहा हूँ गाइस अपन एक काम कर सकते हैं, अपन जाके पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं ट्रैवर के खिलाफ। लेकिन ये क्या करना सही रहेगा नहीं रहेगा कुछ भी नहीं पता, बिकॉज ना ब्रो यार उस बंदे ने ना मेरे दिमाग में ऐसी बातें लगा दी है ना, बिल्कुल फिट कर दिए हैं कि ट्रैवर फोन नहीं उठा रहा है, ट्रैवर ने मारा। मेरे को जब से यही लग रहा है ठीक है, ट्रैवर ही है मारने वाला लेस्टर को यार। ट्रैवर ही लेकर के गया, किडनैप करा का लेस्टर को। बट ब्रो मैं सोचता हूँ अपना दोस्त है तो बनता नहीं है बातों का मतलब। लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ पुलिस में कंप्लेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने काफ़ी सोच लिया है, माइकल से भी पूछ लूंगा मैं अभी। माइकल भाई चले ना अभी, अभी अपन चल रहे हैं ठीक है पुलिस में कंप्लेंट कराने के लिए ट्रैवर के खिलाफ में। बिकॉज यदि अपन लड़ेंगे ना भाई ट्रैवर से, ट्रैवर बहुत ही खतरनाक आदमी है। ठीक है, जब अकेले में आ जाएगा ना लड़ने के लिए भाई, दुश्मनी ट्रैवर से बहुत ही महंगी पड़ेगी अपने को। अपन पुलिस का सहारा लेंगे, ठीक है पुलिस के साथ काम करेंगे, तब शायद अपन ढूंढ निकाले या लेस्टर को। कोई नहीं, आज देख लिया भाई ट्रैवर का काम भी। ठीक है तो चलो गाइस फाइनली मैं निकल लिया हूँ यहाँ से। एंड माइकल क्या हो गया? एक मिनट रुको 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 रुको, गाड़ी में रोकता हूँ साइड में। भाई माइकल बोल रहा है इसको मैसेज आया ठीक है ट्रैवर का, पढ़ना ब्रो। अभी गाइस रुको यार, मैं माइकल से पूछता हूँ ठीक है एक्जैक्टली क्या आया है, देर में तुमसे मिलता हूँ। ओके गाइस फाइनली अभी मैंने माइकल से बात कर ली यार। माइकल के पास में ट्रैवर का मैसेज आया है, तुम समझ रहे हो? इतनी देर से ट्राई कर रहे थे ट्रैवर को कॉल लगाने के, भाई कॉल नहीं कर रहा है, बंदे ने मैसेज करा है। उसने कहा मेरे सीक्रेट शोरूम पर आ जाओ जल्दी से यार। अब समझा मैं कि यार ट्रैवर का एक और जगह भी तो थी, मैं भूल गया यार, मेरे दिमाग से निकल गई। ठीक है मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, मुझसे निकल गई मेरे। ठीक है यार, मतलब गाइस तुम्हें याद होगा ट्रैवर भैया ने हाल ही में रिच मैन बनने थे। ट्रैवर भैया भी उन्होंने भी एक नया शोरूम खरीदा था, सीक्रेट शोरूम, जहाँ पर वो सारे हेलीकॉप्टर बेचता था यार। अब याद है गाइस उसने वहाँ पे बुलाया, लेकिन ट्रेवर ने खुद ने अपने को क्यों बुलाया यार? अगर उसने किडनैप करा लेस्टर को तो गाइस अपने को बुलाता नहीं वो। तो गाइस अभी मैं फुल स्पीड से निकल चुका हूँ, ठीक है, यहाँ से जा रहा हूँ मैं ट्रेवर के शोरूम की तरफ। यार उसका शोरूम ना कोई से शहर में होता है, वो अजीब सा शहर है ना, एक तो मेरे को उसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं रहता, ठीक है, कौन सा है, लेकिन वो वहाँ पर इसका शोरूम है, ठीक है। अभी जल्दी से निकल चुके हैं अपन यहाँ से। चलो, ओहो क्या लग रही है भाई कार, भगती हुई यार। टायर जो ना गाइस रोड से चिपक कर चलती है, बिल्कुल बहुत ही शानदार स्पोर्ट्स कार लगती है। तो अपन फाइनली आ चुके हैं इस वाले सिटी में, मेरे को नाम नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो है ये। ओके ये रहा मेरे को मिल गया जेट सिम नाम से, ठीक है, यहाँ पे उसका शोरूम है, ठीक है। उसकी गाड़ी तो नहीं खड़ी है, ऑल दो ऐसा तो नहीं है ना भाई ट्रेवर भाई कहीं फंसाना चाह रहा हो अपने को, है ना। तुम देख रहे हो गाइस क्या हालत हो चुकी है अपनी गाड़ी की, मस्त धूल में हो चुकी है, मस्त ठुक चुकी है सामने से, बट कोई नहीं। अभी अपन यहाँ से कूदते हैं ब्रो, यहाँ से निकलते हैं ट्रेवर के शोरूम के लिए। आजा माइकल, शायद तेरे को पता नहीं होगा बट ट्रेवर रईस बन चुका है, ठीक है। ओके गाइस तो फाइनली अपन अंदर आ चुके हैं ट्रेवर का शोरूम है, चलते हैं अंदर की तरफ। गाइस ये रहा उसका शोरूम, ठीक है। तो पता होगा गाइस अभी कुछ दिनों पहले मैं तुम लोगों को शोरूम दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर भाई ट्रेवर भैया जो अपना है यार, वो ना भाई इलीगल प्लेन्स बेचता है, बट वो अपन बातें करने नहीं आए आज। ट्रेवर ने अपने को यहाँ पे बुलाया, अभी खुद मिल नहीं रहा है मेरे को। किधर निकल गया बे, इधर तो नहीं है उसके ऑफिस में, कहीं चलता हूँ मैं। अबे ट्रेवर भाई किधर है, इधर है क्या यार? भाई साहब दिख नहीं रहा मेरे को, इधर भी नहीं है। किधर है भाई ट्रेवर भैया, इस वाले में है क्या भाई? उधर तो नहीं था ये। ओके ब्रो ये रहा लेस्टर एंड ये यहाँ पे क्या कर रहा है ट्रेवर भाई? कब से ढूंढ रहा हूँ भाई साहब, मन कर रहा है पीट दो, देख एक बार। ओके गाइस फाइनली मैंने ट्रेवर से बात करी, बोला ये अकेले जाकर लेस्टर को लेकर के आया है, ठीक है। कई लोगों ने लेस्टर को किडनैप कर रखा था, अब वो कौन लोग है क्या है वो सब मैं तुम लोगों को बताऊंगा गाइस नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बस ब्रो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। आज फाइनली अपने को अपना लेस्टर भी मिल चुका है वापस से। इतना मिस करा लेस्टर भाई मैंने, तेरे को क्या बताऊं मैं। तू मेरा वीडियो देखना, तेरे को पता लग जाएगा, ठीक है लेस्टर ब्रो। तो बस ब्रो खत्म करते हैं आज के वीडियो को। आई होप दैट यू लाइक इट, तुम्हें देख के मजा आया, ठीक है। अब किन किन लोगों ने उसको किडनैप करा था, कोई गैंग थी, माफिया था, गैंगस्टर था, कौन था, ये सब तुम्हें पता लगेगा अगले वाले वीडियो में। तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। एंड हाँ गाइस लास्ट में तो मैं बोल देता हूँ, मेरे को सब जाके फॉलो कर लो, आईडी जो हमें दिख रहा होगा, ठीक है यहाँ पर, बिकॉज गाइस अपने 37 के हिट कर दिए अपन ने, वहाँ पे 40 के होने वाले, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो खत्म करता है इस वीडियो को, #गेम